दोस्तों एनडीपीएस जैसे मामलों में जो एनडीपीएस के जो केस होते हैं, इन केसेस में जब भी कोई मामला सामने आता है, सबसे पहले उसमें यह देखा जाता है कि जो मामला है उसमें क्वांटिटी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है या फिर कमर्शियल क्वांटिटी है। कमर्शियल क्वांटिटी अगर है तो बेल लेना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेशंस कोर्ट मतलब कि जहां आपका ट्रायल चलना है, या फिर हम कहें स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं एनडीपीएस जैसे सभी मामलों को देखने के लिए, ऐसे कोर्ट्स में ज्यादातर आपकी बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। या फिर दोस्तों हम बात करें द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो आया, उसमें टोटल 239 मतलब कि 239 टाइप के जो नशीले पदार्थों का जिक्र किया गया, उनमें से कोई भी चीज आपके पास से अगर रिकवर हो गई, आपके पास से बरामद हो गई और जो चीजें लिखी हैं, जो क्वांटिटी उसके अंदर लिखी है उससे ज्यादा क्वांटिटी में अगर वो बरामद हुई, तो ऐसे मामले में आपकी जल्दी से बेल नहीं होगी, पूरा ट्रायल लड़ना पड़ेगा, हो सकता है 4-5-6 साल तक जेल में आपको रहना पड़े, बाद में डिसाइड होगा कि अब आपको छोड़ा जाए, मतलब आपको बरी कर दिया जाए या फिर सजा दे दी जाए। 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं किसी भी तरह की कमर्शियल क्वांटिटी में बेल लेने के लिए। आज उन्हीं 3 आधार पर हम बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस केस कमर्शियल क्वांटिटी में 3 बेल के आधार क्या है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लाते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों आप कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप पर कोई केस हुआ है, या फिर आपके सगे संबंधी पर केस हुआ है जो कि जेल में है, एनडीपीएस का मुकदमा उस पर लग गया है और सालों साल से जेल में, या फिर अभी वो अरेस्ट हुआ है, तो कैसे उसकी बेल होगी, क्योंकि बेल के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चार्जशीट लगती नहीं तब तक बेल होती भी नहीं। मैक्सिमम केस में यही देखा गया है एनडीपीएस के मामलों में, खास करके जब कमर्शियल क्वांटिटी का मामला आता है। तो दोस्तों कमर्शियल क्वांटिटी का अगर मामला आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले हालांकि चार्जशीट लगने का वेट करना ही चाहिए, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले मुद्दे की हम बात करेंगे जो आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों होता क्या है एनडीपीएस के मामले में, 2 चीजें आपको बड़े क्लियर रूप से पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी जानकार सगा संबंधी या वकील साहब है तो आप कैसे फाइट करें, सबसे पहला रीजन टू बिलीव, और दूसरा उस व्यक्ति को जिस पर यह केस लगा है उसके फ्यूचर में भी इस तरह के अपराध करने के चांसेस हैं या नहीं। तो ऐसी चीजों में देखा जाता है कि उसका रीजन टू बिलीव क्या बोलता है। हम जब भी कभी केस फाइट करते हैं, या कोई भी नए वकील साहब जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है एनडीपीएस के मामलों की, या ज्यादा केसेस अब तक उन्होंने फाइट नहीं किए हैं, तो वो अक्सर डिफेंस कुछ भी ले लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि आपकी बेल तब तक तो नहीं होगी इस कमर्शियल क्वांटिटी में जब तक रीजन टू बिलीव जो है, जब तक आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कर देंगे जज साहब, मतलब कि इस केस में आपका नाम झूठ बोलकर लिया गया है, या फिर झूठे से आपका नाम आया है, आप इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, या फिर इस केस से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसे बोलते हैं रीजन टू बिलीव। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सफिशियंट एविडेंसेस मेरे अगेंस्ट नहीं है और मुझे जेल में डाल दिया गया है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उस फाइंडिंग में मेरे अगेंस्ट डायरेक्ट रूप से कोई भी एविडेंस नहीं है जो लिंक करता है कि कमर्शियल क्वांटिटी जो भी कॉन्ट्राबैंड मिला वो मुझसे मिला और वो मुझसे ही संबंध रखता था, वो मुझसे ही लिंक करता था। तो ये रीजन टू बिलीव आपको क्लियर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जज साहब को, वरना फालतू के अगर आप ग्राउंड्स लेते हो कि मैं जेल में 1 साल से हूं, 2 साल से हूं, या फिर अभी ट्रायल ठीक से शुरू नहीं हुआ है, एफएसएल पेंडिंग है, और भी कुछ ग्राउंड्स अगर आप लोगे, तो ऐसे में आपकी बेल होगी नहीं, कोई फायदा है नहीं। रीजन टू बिलीव क्लियर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो सेशन कोर्ट से ही बेल लेना। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है कि ऐसे मामलों में जब सही डिफेंस हम नहीं लेते हैं या सही ग्राउंड्स नहीं लेते हैं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बेल अक्सर डिसमिस हो जाता है। दोस्तों एनडीपीएस जैसे केसेस में जब कमर्शियल क्वांटिटी का नाम आता है, तो लोगों की सालों साल बेल ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और ये भी कारण हो सकता है कि आपके वकील साहब सही डिफेंस नहीं ले रहे हैं या फिर सही जगह फाइट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मतलब कितना बड़ा एक्सपीरियंस है वकील साहब, जरूरी ये है कि कितने ज्यादा केस सेम नेचर के वकील साहब ने लड़े हैं। उसी से एक्सपीरियंस आता है, उसी से नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस तभी आता है बार बार प्रैक्टिस जो की जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बेल दिलवाने में, आपको केस जितवाने में। अब दोस्तों दूसरे ग्राउंड की हम बात करते हैं जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में हमें रेगुलर बेल लेने में मदद करता है।
दोस्तों मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई भी सीरियस तरीके से बीमार है और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है जो जेल में है, मतलब कि एक्यूज ही है, या फिर एक्यूज की वाइफ की अभी डिलीवरी होनी है, या फिर ये मान लीजिए सीरियस उसे कोई इंजरी है, सीरियस बीमारी है, ऑपरेशन होना है, मदर फादर को सीरियस बीमारी है, ऑपरेशन होना है, तो ऐसे में आप सबसे पहले उन्हें इंटरिम बेल पर बाहर निकालें। इंटरिम बेल अगर हो जाए, हालांकि जल्दी से इंटरिम बेल भी नहीं होगी, क्योंकि इंटरिम बेल का मतलब है कि कमर्शियल क्वांटिटी जिसके पास से बरामद हुई है वो फरार हो सकता है, एब्सकॉन्ड हो सकता है और वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा, इसीलिए बेल नहीं दी जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रीजन टू बिलीव और साथ में ही आगे अपराध करने की कितनी संभावना है इस चीज को देखा जाता है। तो इंटरिम बेल पर जब आप बाहर आएंगे, टाइमली सरेंडर करेंगे, ऐसा दो चार बार आपने किया तो वकील साहब को बहुत बड़ा एक ग्राउंड मिल जाता है कि भाई मैं अभी तक जब भी इंटरिम बेल मिली मैंने टाइमली सरेंडर किया तो मैं भागूंगा नहीं, ये क्लियर है, और मैं ट्रायल को फेस करूंगा तो मुझे बेल देने से किसी भी तरह की कोई हानि होगी नहीं, अपने देश के कानून को मुझे बेल दी जा सकती है, ये भी आपका एक बड़ा ग्राउंड बन जाता है। दोस्तों एक और ग्राउंड कहूं या फिर मैं आपकी इसकी गलती कहूं जो अक्सर आप लोग गलती करते हैं या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से भी लोग ये स्टेप नहीं ले पाते हैं या फिर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है तो भी आप ये समझ सकते हैं। दोस्तों आप एक बात को क्लियर कर लीजिए कि आप किसी भी कोर्ट में एक बार गए, बेल डिसमिस हो गए तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं जा सकते, आप दोबारा भी जा सकते हो, आपको ग्राउंड्स बदलने होंगे, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में एक बार बेल डिसमिस हो गए तो घबराए नहीं, डरे नहीं, दोबारा बेल लगाएं, दोबारा ग्राउंड बनता है, दोबारा बेल लगाएंगे, बेल बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये एक ग्राउंड ले लेना कि मैं इतने साल से जेल में हूं या फिर मेरा ट्रायल शुरू नहीं हुआ है या फिर कुछ भी एक लकुना छोटा सा निकाल कर आप सोचते हो बेल हो जाए, ऐसे बेल आपकी होगी नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड को लेकर आपको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार आपको जाना पड़ सकता है। अगर ज्यादा कुछ ग्राउंड्स अगर आपके पास नहीं है, ज्यादा कुछ डिफेंस आपके पास नहीं है, चीजें सारी इंडिकेट करती हैं कि आप उस अपराध में शामिल थे, कॉन्ट्राबैंड जो आपसे मिला उसका लिंक आपसे ही था, तो ऐसे में वक्त लग सकता है। पर मैं फिर आपसे यही बोलूंगा, सेशन कोर्ट के अलावा भी जो आपका स्पेशल कोर्ट होता है जो एनडीपीएस का ट्रायल चलाता है, उसके अलावा भी बार बार आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अपने ग्राउंड्स को बनाकर। बेल आपकी बिल्कुल हो सकती है और बेल आपकी होगी भी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिलती है, उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तभी उनकी बेल होती है। कोई भी किसी तरह के डाउट, कोई भी किसी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है या आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर वीडियो में कमेंट करें। हो सकता है हमारी किसी भी तरह की एडवाइस से आपकी बेल हो सके या हो सकता है आप केस से बरी हो सके, हो सकता है हमारी एडवाइस आपके किसी काम आ सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।